और समाजी बुराइयों से लड़ने वाली पुलिस चाहिए, अकरुबा परवरी पर तकरुरी वाली पुलिस नहीं। पुलिस में तबादलों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत आलिया ने डीआईजी और एसएसपी डॉक्टर रिजवान के तबादले गैर कानूनी करार दे दिए। सिंध पुलिस के डीआईजी खादिम हुसैन और एसएसपी डॉक्टर रिजवान के तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली महर की जानिब से तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि अचानक ओहदे से हटा देने का अमल बेचैनी पैदा करता है। ईमानदारी, अच्छा बर्ताव अच्छी पुलिस के लिए ज़रूरी है। फैसले में कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं कि मुतासरा अहलकार ही दरख्वास्त दायर करे, बल्कि कोई भी शख्स मफाद आमा की खातिर दरख्वास्त दायर कर सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अच्छी पुलिस और बुरी पुलिस मुआशरे में वजन और अहमियत रखती है। अच्छी पुलिस के लिए अफसरान की मेरिट पर तकरुरी ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में मजीद कहा कि अच्छी और ईमानदार पुलिस ही समाजी बुराइयों से लड़ सकती है। हुकूमत अच्छे कानून पर अमल दरामद ना कराए तो लाकानूनीत और बिगाड़ पैदा होगा। मुमताज़ समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में डीआईजी खादिम हुसैन रिंद और एसएसपी डॉक्टर रिजवान के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों अफसरान का तबादला गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का कहना था कि सिंध हुकूमत अफसरान के तबादले के लिए आईजी सिंध से मुशावरत की पाबंद है।